खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिव्यांग जनों संघ फिर सहायता में जुटी राधे माँ। आध्यात्मिक धर्मगुरु राधे माँ ने फिर एक बार कोरोना काल में दिव्यांग व दृष्टिहीनों के बीच समय बिताकर उन्हें जरूरी सामग्री मुहैया कराई। अपने सिंह निवास पर राधे माँ ने शारीरिक तौर पर अपंग एवं असहाय लोगों को राशन, कपड़े और बैग वितरित कर समाज को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। गौरतलब हो कि सुबह से ही राधे माँ के निज निवास सिंह हाउस पर दिव्यांगजनों का तांता लगा रहा। इस मौके पर खबर 24 से विशेष वार्ता के दौरान राधे माँ ने कहा कि सभी के लिए और सब जगह भगवान है। जिन्हें भगवान ने सब कुछ दिया है उसमें से थोड़ा कुछ पर सभी का हक है। दिव्यांग ईश्वर की विशेष संतान है, उनमें हम आपसे ज्यादा काबिलियत होती है, जिन्हें आज का विज्ञान भी मानता है। ऐसे में जब सारी दुनिया कोरोना महामारी को हराने की मुहिम में लगी है, तब हमें इनके साथ और विश्वास की भी उतनी ही जरूरत है जितनी वैक्सीन की। देखिए खबर 24 की एक खबर। जब जब कृपा होती है तो मैं करती हूँ, मेरी कोई औकात नहीं। वो ही करवाने वाला है, वो ही मत देता है, तो मैं करती हूँ। जिस तरह से COVID-19 चल रहा था और इस दौरान से डॉक्टर ने जिस तरह से कार्य किया है, और कल डॉक्टर्स डे है, तो क्या डॉक्टर्स डे पे क्या शुभकामनाएं है, डॉक्टर्स को किस तरह से आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे डॉक्टर्स डे पे? मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी जान पे खेल के भी मतलब लोगों को बचाया। उन्होंने परवाह नहीं की अपने घर वालों की, बच्चों की। तो कई डॉक्टर भी चले गए भगवान के पास, उन्होंने परवाह नहीं की। उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, और भगवान उनको वहाँ पर ऊपर शांति दे और उनके परिवार को भी सुख शांति दे। तो देवी माँ, जिस तरह से ज़रूरतमंदों की आप सेवा कर रही हैं, वो कोई भी हो, लेकिन अगर डॉक्टर्स को भी ज़रूरत पड़ती है, तो क्या देवी माँ आगे कदम बढ़ाकर क्या डॉक्टर्स के लिए भी मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगी? हाँ, बढ़ूंगी।